अहमदाबाद में इंदिरा ब्रिज रिवर फ्रंट पर छठ महापर्व मनाया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी शामिल हुए। छठ महापर्व पूजा की शुरुआत होती है बिहार से। छठ महापर्व आज बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में छठ बड़ी धूमधाम से लोग मनाया करते हैं। छठ पूजा में लोग सूर्यदेव की उपासना करते हैं, जिसमें आज अहमदाबाद में रिवर फ्रंट साबरमती के किनारे सबसे बड़ा छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई दी। छठ की पर्व पर छठ मैया का पूजा अर्चन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पर्व पर आप सबको गुजरात सरकार की ओर से, गुजरात की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ पर्व हमारे सबके लिए एक महान पर्व है। आराधना का समय चार दिन का ये पर्व, आज का दिन जो है वो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और उसी निमित्त अहमदाबाद में साबरमती के किनारे ये जो पर्व होता है इसका भी ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। और यहाँ की सरकार ने, खास करके रूपाणी जी ने, स्वयं प्रदीप जी ने बताया कि जिस तरह का मैंने स्वरूप देखा है, उस स्वरूप से ये लगता है कि मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूँ या बिहार के पटना में हूँ। इसलिए छठ माई की आराधना ये प्रकृति की पूजा है, और प्रकृति की पूजा में जो नई नई चीज़ें होती हैं, धान का होता है, गेहूं आते हैं, या आपके गन्ना की फसल आती है, तमाम सारी चीज़ें उसके प्रसाद बनते हैं, उन प्रसाद को सब जगह बांटा जाता है। और सूर्य भगवान जिसकी छत्र छाया में सारा विश्व है, उसकी पूजा, डूबते सूरज की पूजा और उगते सूरज की पूजा करने का यह एक अपने आप में विश्व में अनोखा त्यौहार है। और छठ माई की आराधना से सब अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और मैं इस अवसर पर जो मुझे यहाँ के आयोजकों ने बुलाया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैंने अपनी सरकार के लिए, गुजरात सरकार समृद्धशाली बने और विजय रूपाणी जी और सक्सेस हो, उनकी सरकार और अच्छा काम करें, यही मैंने छठ माई से यहाँ आकर मांगा है।